फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेशनल के अंदर हम नेटवर्क का कोर्स हम और आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। ओके, तो नेटवर्क क्या है, नेटवर्क की टेक्नोलॉजी क्या है और नेटवर्क के सिस्टम्स क्या है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने लिमिटेशन ऑफ प्राइवेट प्लेन, जब हम प्राइवेट प्लेन क्रिएट कर लेते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें सपोर्ट में नहीं होती, कौन से ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते, और ट्रंकिंग पोर्ट प्रोटोकॉल क्या होता है, मैंने को समझाया था। ओके, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्चुअल स्विच किसे कहते हैं, यहाँ पर वर्चुअल स्विच हम क्यों क्रिएट करते हैं। ओके, और साथ ही फाइबर ऑप्टिकल स्विच वगैरह जो है यहाँ पर बताई थी आपको। कॉन्फ़िगरेशन स्कैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जिसको एसटीपी और शॉर्टेस्ट पाथ ब्रिजिंग, मैंने आपको समझाया था कि जिस तरह से एक स्विच के साथ और भी दूसरी स्विचेस कनेक्ट होती है, एक पेड़ की जो डाली होती है उस तरह से यहाँ पर ट्री नाम दिया गया, ट्री प्रोटोकॉल, और जिससे कि आपकी सामने इस तरह की डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं और फिजिकली कुछ आपको इस तरह से दिखाई देंगे। ओके, इस तरह से, तो कहने का मतलब ये कि हम, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि आप एड्रेस के साथ समझाया था। ओके, और भी बहुत कुछ मैंने आपको, जब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कैसे कम्युनिकेशन करता है, उसका डेटा किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, एसटीपी, और भी बहुत कुछ मैंने आपको स्विच 22-3 और भी बहुत कुछ समझाया था। ओके, तो स्विच 1, स्विच 2 और स्विच 3 के अंदर अगर हमारा ये केबल खराब हो जाता है, किसे वो रिएक्ट करेगा हमारा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ये भी समझाया था, वो जाकर देख लीजिए पिछले वीडियो को। साथ ही शॉर्टेस्ट पाथ ब्रिजिंग सिस्टम क्या होती है, ये मैंने आपको समझाया था कि वो कम से कम रास्ता ट्रैवल करने वाला कि इंटरनेट के अंदर, मतलब कि आपके सिस्टम के अंदर जो है आपके कंप्यूटर के, आपके कंपनी की स्विच के साथ स्विच कनेक्ट है तो वो यही पर काम करता है, और यही सिस्टम हमारे राउटर में भी होती है। ओके, तो इस वजह से हमारा इंटरनेट नेटवर्क जो है फास्ट चलता है यहाँ पर, और ये डिपेंड करता है कि इंजीनियर कैसे कम्युनिकेशन या कनेक्शन करता है। ओके, और मैंने आपको समझाया था कि जैसे जैसे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की सिस्टम बढ़ती है तो किस तरह से काम करता है। लास्ट वीडियो में समझा था कि SNMP क्या होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या होता है, और इसका बहुत ही कुछ मैंने आपको एग्जांपल परफेक्टली दिया था। ओके, ये ध्यान से देखिए SNMP सिस्टम, SNMP टेक्नोलॉजीज वगैरह। ओके, तो ये बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था। आज हम पढ़ रहे हैं कि SNMP सॉफ्टवेयर के बारे में, कि SNMP सॉफ्टवेयर क्या होता है, किस तरह का होता है, और भी बहुत कुछ मैंने आपको डिफरेंट वॉइस की कम्युनिकेशन और उसकी सिस्टम पिछले वीडियो में दिखा दिए थे, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए और तभी आपको ये पता चलेगा इस वीडियो को। तो SNMP का ये हमारा दूसरा वीडियो है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम SNMP सॉफ्टवेयर अब क्यों और किस तरह की होते हैं यहाँ पर। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर, ये इस तरह से आप उसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालाँकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप अपने चैनल पर आ जाओगे, यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर के कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर, जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, वीडियोज़ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा,
तो जितने भी प्लेलिस्ट है आपके सामने दिख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कॉम्पोनेंट ऑनलाइन जो ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आप स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कॉन्टेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए, यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कंप्लीट लेके कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का, आप जैसे कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर, ओके, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा रहे हैं यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर, विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप जैसे थे कि एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी लिखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है, तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए सभी वीडियो में पार्ट वाइज होती है ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आप वो जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेडे लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्यून है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है, मैं अपना सिस्टम जो है, अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ, तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्लेलिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो अगर आपके पास पहले से बेसिक काम होना चाहिए, तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए, अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, ऐसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो
जितना हो सके मेडिकल में इंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने इंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो SNMP सॉफ्टवेयर, ये प्रोग्राम होता है, SNMP सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप कंट्रोल करते हो। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये सॉफ्टवेयर के अंदर क्यों निरंतर ये सब करते हैं। मेन चीज उसका ग्राफ, ग्राफ का मतलब होता है कि हर कंप्यूटर के अंदर अपने एक सिस्टम की स्पीड, उसकी लिमिटेशंस होती है, और वो लिमिटेशन से ज़्यादा उसका डेटा आता है तो वो सिस्टम और टेक्नोलॉजी या तो फिर वो स्टॉप अपने आप को करेगी या तो फिर वो क्रैश हो जाएगी। तो कहने का मतलब होता है कि मैंने आपको फ्लो कंट्रोल वगैरह समझाया था। फ्लो कंट्रोल क्या होता है कि एक केबल में से सभी को इंटरनेट मिल रहा है, 200-300 कंप्यूटर या फिर वो डेटा को सेंड कर रहा है। तो एक एग्जाम्पल के देता हूँ कि एक यहाँ पर वो क्या होता है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे, तो SNMP एक डेटा का रिक्वेस्ट भेजता है और वही डेटा का रिक्वेस्ट जो है वो इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो, कोई भी डिवाइस हो, वो डेटा को उसी जगह पर, तो SNMP प्रोटोकॉल जो होता है वो डेटा को लेने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है और रिक्वेस्ट को थ्रू यहाँ पर डेटा को ट्रांसफर करता है इस हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। अब ये जो सॉफ्टवेयर होता है SNMP सॉफ्टवेयर, उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती है। जब मैं CCNA पढ़ाऊँगा तब उस CCNA के अंदर आपको काफ़ी बेहतर तरीके से एक एक चीज़ समझाऊँगा, लेकिन अभी इतना समझो कि इसके अंदर तीन चीज़ें। एक तो पहले कॉन्फ़िगर क्रिएशन कर सकते हो किसी भी डिवाइस को, दूसरा उसका स्टेटस जान सकते हो क्या है, और साथ ही इसके अंदर और भी लोकेशन कहाँ पर है वो सब कुछ आप SNMP प्रोटोकॉल के थ्रू जान सकते हो। तो आपका डिवाइस उस सिस्टम के नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तब ये काम आएगा। ओके, तो क्या क्या कर सकते हो उसके अंदर, नेम चेंज कर सकते हो, नेम देख सकते हो, आईपी एड्रेस देख सकते हो, आईपी एड्रेस भी चेंज कर सकते हो, लोकेशन देख सकते हो, लोकेशन कहाँ पर है, किस पर क्या होता है, इसका टेस्ट, उसका स्टेटस चेक कर सकते हो कि कितना गर्म हो रहा है कि कोई सिस्टम, इसके अंदर कितना डेटा आ रहा है, कितना फ्लो है, कितना लोड ले रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, वो कोई भी इनपुट आपको सिस्टम हो, कोई भी XYZ सर्वर भी हो सकता है, राउटर भी हो सकता है, फायरवॉल भी हो सकता है, और स्विच भी हो सकती है। ओके, तो स्टैटिक की हम बात करें तो इसके अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन की जो स्टैटिक होती है वो आईपी एड्रेस किस तरह की आपने मेंटेन की हुई, नेटवर्क किस तरह से मेंटेन की हुई, उसके अंदर चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर तीन तरह के मेन, और इसके अंदर दे आर मेनली चार तरह के इसके पार्ट होते हैं। SNMP को यस जब करता है वो अपने चार तरह के SNMP उसके मेन पार्ट होते हैं। पहला जो होता है SNMP मैनेजर होता है। जब SNMP हम शुरुआत करते थे SNMP मैनेजर उसके चार पार्ट में इसको वो यूज़ होता है। दूसरा होता है कि SNMP एजेंट, लेकिन SNMP मैनेजर के बारे में समझ होता है। इट इज़ अ सेंट्रलाइज सिस्टम यूज टू मॉनिटर द नेटवर्क। तो SNMP मैनेजर का मतलब होता है कि मैंने अभी आपको बताया कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो मेन सिस्टम की तरह काम करता है, उसे कहते हैं मैनेजर। और जहाँ पर हमारा जो मेन सॉफ्टवेयर है वो मेन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट कंसोल बोलो या फिर मैनेजमेंट हमारा PC बोलो या तो फिर हमारा मेन इंजीनियर डिपार्टमेंट का मेन कंप्यूटर बोल दो, तो ये SNMP सिस्टम मैनेजर जो होता है वो सॉफ्टवेयर जो होता है ये मैनेजमेंट का काम करता है, तो इसे कहते हैं मैनेजर। ओके, SNMP मैनेजर। और इसी के अंदर भी सभी कुछ जो है उसका ऑप्शन होते हैं उसका मैनेजमेंट करने के लिए। SNMP प्रोटोकॉल्स जो होता है वो इम्पोर्टेंट सेंडिंग और रिसीविंग वगैरह जो होते हैं यहाँ पर। इट ऑल्सो नो एज ए नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन, उसको नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन भी बोला जाता है, क्योंकि अलग से उसका हमारे कंपनी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या
कोई भी सरकारी चीज़ें, कोई भी और भी नेटवर्क, उसका अलग से कंप्यूटर बनाया जाता है, उसका अलग से कंप्यूटर होता है, उसको SNMP के लिए ही बनाया जाता है। तो इट इज़ ऑल्सो नाउ एज अ नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम राउटर डेट रन SNMP सर्वर प्रोग्राम एंड एजेंट ओके। तो जहाँ पर राउटर के अंदर हम SNMP चलाते या सर्वर चलाते हैं, इसको कहते हैं SNMP एजेंट ओके। तो वाइल होस्ट रन SNMP क्लाइंट प्रोग्राम इज कॉल मैनेजर। तो SNMP जहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है उसको कहते हैं मेन मैनेजर ऑफ सिस्टम ओके। फिर हम इसको समझते हैं कि SNMP एजेंट और मैनेजर में क्या फ़र्क होता है। देखिए, जब इस सिस्को कंपनी ने जब ये सिस्टम बनाई थी, सिस्को को पता चला कि एक मेन इंपोर्टेंट सिस्टम होना चाहिए जो पूरा नेटवर्क के अंदर कंट्रोलिंग वगैरह, उसके अंदर मैनेजमेंट वगैरह, उसके अंदर नेटवर्क की कम्युनिकेशन, सेंडिंग, ट्रैफिकिंग, मॉनिटरिंग, वो सब कुछ जो है यहाँ पर एक ही मेन सिस्टम के अंदर आ जाना चाहिए। तो उन्होंने एक सिस्टम के अंदर SNMP को चार कैटेगरी में डाल लिया, SNMP मैनेजर और दूसरा SNMP एजेंट। तीसरा मैं आपको समझाऊंगा वो क्या होता है वो अभी इसी वीडियो के अंदर। तो SNMP एजेंट क्या होता है, SNMP मैनेजर क्या होता है? SNMP एजेंट मैनेजर के अंडर में काम करता है। इस एजेंट का काम ही यही होता है कि सारी इंफॉर्मेशन, चाहे उसके स्टेटस हो, ट्रैफिक हो, एक्सपेजेड कोई भी डिवाइसेस हो, स्विच हो, राउटर हो, आपका सर्वर हो, जो भी एक्सपेजेड जुड़े हुए हैं उसकी इंफॉर्मेशन मैनेजर को देता है ओके। और भी कुछ बताएं आपको, और ऐसा समझो कि ये SNMP एजेंट मैनेजर के अंडर में काम करते वक्त अगर इसके ऊपर ज़्यादा प्रिंटर पर ज़्यादा लोड आ रहा है तो SNMP एजेंट क्या करेगा, इसको पूरा SNMP मैनेजर के अगर अपने सेटअप किया कि ज़्यादा लोड आता है तो मुझे सेटिंग की कि मुझे एक वार्निंग की सेटिंग्स, मुझे वार्निंग की एक मैसेज आना चाहिए इस तरह से सेटिंग की है इस प्रिंटर के अंदर। तो SNMP एजेंट वही चीज़ करेगा कि अगर इसके ऊपर लोड ज़्यादा प्रिंटर एक ही है और 300 कंप्यूटर के बीच में एक प्रिंटर है तो ज़्यादा आपके पास प्रिंटर की रिक्वेस्ट जाती है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर लोड आए तो ये सिस्टम बिगड़े ना, इस वजह से हम क्या करते हैं SNMP एजेंट को एक लिमिट देते हैं कि इसकी स्पीड, इसका डेटा का प्रोसेस करने का तरीका उसका, तो वो अगर उसकी लिमिटेशन से ज़्यादा आगे निकलेगा तो SNMP एजेंट मैसेज भेजता है, तभी जिसको कहते हैं कि कोई भी कम्युनिकेशन की थ्रू उसको एक वार्निंग भेजता है। तो मैनेजर को पता चल जाता है यहाँ पर ये जो प्रिंटर है काफ़ी प्रॉब्लम में है, क्योंकि इसका स्टेटस पता चल जाता है। उसी तरह से राउटर हो गया, राउटर के अंदर जितने भी हमारे इंटरनेट से आने वाले पब्लिक्स हो गई, हमारे यूज़ करने वाले स्टेशन हो गए, हमारे यूज़ करने वाले अंदर इंटरनल नेटवर्क वगैरह होते हैं, वो सब कुछ जो है राउटर के ऊपर डिपेंड होता है ओके। तो राउटर का भी हमारा स्टेटस चेक करता है कि राउटर के अंदर कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना सेंड हो रहा है, सब कुछ, तो वो भी SNMP एजेंट के थ्रू ही होता है यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर SNMP एजेंट दूसरा पार्ट हो गया। तो मैनेजर की आँखें, कान, सब कुछ कलेक्शन करने का काम जो होता है वो मैनेजर होता है ओके, कंट्रोल करने का काम। लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन देना, जैसे कि IP एड्रेस, नाम, कितना लोड है, कितना कहाँ से डेटा आ रहा है, कौन सा आपका पोर्ट चल रहा है, कौन सा पोर्ट बंद है आपका, सब कुछ जो स्विच के अंदर होता है वो SNMP एजेंट होता है। तो SNMP एजेंट वो भी एक तरह का प्रोटोकॉल ही है, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग अलग से की जाती है। इसके अंदर जो प्रोग्राम होता है वो बहुत सारे लेवल्स पर काम करते हैं SNMP एजेंट के अंदर, कि सारी इंफॉर्मेशन, डिवाइस की सारी इंफॉर्मेशन, XYZ जितनी भी हो, जैसे कि नाम हो गया, उसका होस्ट नेम हो गया, इसका आपका IP एड्रेस हो गया, उसका इंटरफेस हो गया, कौन कौन से कनेक्शन होते हैं, कौन कौन से कंप्यूटर कनेक्ट है या डिवाइस कनेक्ट है, सब कुछ जो है इस स्विच के अंदर आपको मिलता है ओके। तो स्विच के अंदर जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग कनेक्ट होते हैं, प्रिंटर भी कनेक्ट होते हैं, कंप्यूटर भी कनेक्ट होते हैं, सर्वर भी कनेक्ट होते हैं, डिवाइस राउटर भी कनेक्ट होते हैं, स्विच के अंदर दूसरे स्विच भी कनेक्ट होती है। तो इतने सारे जो कनेक्शन होते हैं तो क्या होता है, वो मेन चीज़ हमारे SNMP सिस्टम ही, एजेंट ही वो जो है वो डेटा को भेजता है सामने। तो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल इंस्टॉलेशन ऑन मैनेजर डिवाइस। जहाँ पर मैनेजर डिवाइस के अंदर हम जब इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर मॉड्यूल इंस्टॉलेशन, उसी के अंदर ये SNMP एजेंट जो होता है वो काम करना शुरू करता है ओके। तो एक्टिवेट करने के लिए ही हमारा जो है ये SNMP एजेंट काम करता है, एक तरह की हमारी आंखें और कान का काम करता है ये SNMP एजेंट। हर डिवाइस के अंदर मूवमेंट देखता है, हर डिवाइस का अपना स्टेटस चेक करता है,
उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर आ रही है या तो कोई मैसेज आ रहा है या कोई भी चीज़ आ रही है। मान कर चलते हैं कि प्रिंटर बिगड़ गया, ख़राब हो गया, तो वह एरर भेजता है SNMP मैनेजर को कि प्रिंटर ऑफलाइन हो गया। आपने सेटअप किया कि अगर प्रिंटर ऑफलाइन होता है तो मुझे एक मैसेज भी मिले, और जैसे मैं इसको ओपन करूँ तो इसके अंदर रेड लाइन भी आना चाहिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये प्रिंटर के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ओके, तो द मैनेजर एक्सेस द वैल्यू स्टोर इन द डेटाबेस। ओके, तो तीसरा इसका काम होता है कि मैनेजर जो होता है वो जितने भी एजेंट होते हैं SNMP एजेंट, उनका जितना भी डेटा होता है वो डेटाबेस के अंदर अपने अंदर स्टोर करता है। ओके, और वेयर द एजेंट मेंटेन इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस, जो डेटाबेस में अपने जो सेव किए हैं, सेटिंग्स की हुई है, वो मेंटेन कौन करने का काम रिस्पॉन्सिबिलिटी SNMP एजेंट की होती है। ओके, जैसे कि मैंने SNMP मैनेजर के अंदर मैंने राउटर के अंदर कनेक्ट किया, और राउटर के अंदर मैंने ये लिखा कि 100 Mbps से ज़्यादा होगा तो मुझे एक वार्निंग मैसेज मुझे मिलनी चाहिए। तो जैसे ही 100 Mbps से ज़्यादा ट्रैफिक आता है तो मुझे वार्निंग मैसेज वही SNMP एजेंट के थ्रू ही मुझे मिलेगा। कब मिला? क्योंकि मैंने वो सेटिंग सेव की थी राउटर के अंदर SNMP सॉफ्टवेयर के अंदर, दोनों के अंदर। इस वजह से SNMP एजेंट को ये एरर या तो फिर कहो कि वार्निंग मैसेज भी मुझे भेजता है। गूगल कैसे करता है? गूगल जो है अपने जितने भी सिस्टम होते हैं उनका सभी मॉनिटरिंग करने के लिए अलग से उनका एक टीम होती है, कम से कम 150 से भी ज़्यादा लोगों की टीम होती है, और हर एक डिपार्टमेंट अलग 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 होता है। जैसे कि ईमेल सर्वर का डिपार्टमेंट हो गया, इंटरनेट सर्विस का हो गया, इंटरनल नेटवर्क का हो गया, मतलब इंटरनल नेटवर्क का मतलब कि जो अंदर का नेटवर्क होता है, क्योंकि डेटाबेस के गूगल कंपनी के अंदर की जो कम्युनिकेशन सिस्टम डिवाइस उनका टीम अलग होता है, फिर सिक्योरिटी का एरिया अलग होता है, कम्युनिकेशन की जो सेंडिंग रिसीविंग पैकेट्स होते हैं, फायरवॉल के अलग होते हैं यहाँ पर। ओके, तो इतने सारे डिपार्टमेंट सभी जो है SNMP पैकेट के थ्रू ही जो है मॉनिटर करते हैं अपने पूरे सिस्टम को, और उनका मेन जो सिस्टम जो होता है वो CEO के ऊपर कंटिन्यूसली वो जो है अपडेट देते रहते हैं। तो अगर फ्यूचर में अगर एकदम से ही वो पूरा यूँ कहे कि ट्रैफिक बढ़ जाता है तो क्या होता है कि वो ट्रैफिक हैंडल करने के लिए भी अलग से वो सिस्टम बनाकर तैयार रखते हैं, वो हर 24 घंटे के अंदर वो कंटिन्यूसली ऑन रहते हैं यहाँ पर। ओके, क्योंकि ये सिस्टम क्रैश ना कर जाए, टोटल गूगल सर्वर क्रैश ना कर जाए, इस वजह से वो काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उसी तरह से फेसबुक का हो गया, उसी तरह से अमेजोन कंपनी का हो गया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, मिलिट्री बेसिस हो गई। ओके, ये मेन चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि टू एक्सेल इफ द राउट इज द कंगेस्टेड और नॉट। ओके, तो कुछ ऐसे राउटर होते हैं जो हमारे सपोर्टेबल होते हैं, कुछ नहीं भी होते। पुराने वाले जो राउटर होते हैं उसके अंदर ये SNMP जो है काफ़ी अनसिक्योर तरीके से वो होता है, क्योंकि उसके अंदर version 1 ही चलता है, और उसके अंदर क्योंकि पुराने वाले जो राउटर वगैरह जो होते थे, जैसे 1995 के राउटर, 1994 के राउटर वगैरह सिस्टम जो होती थी वो काफ़ी इतना पावरफुल नहीं हो सकती थी। और मैनेजर कैन एग्जामिन रिलेवेंट अवेलेबल दैट राउटर स्टोर। ओके, तो मैनेजर होता है वो हमेशा एग्जामिन करता कर सकता है और रिलेवेंट अवेलेबल सेट कर सकता है राउटर के स्टोर्स के सिस्टम की, सच एज क्वालिटी, क्वान्टिटी ऑफ पैकेट्स रिसीव एंड ट्रांसमिट। तो वो राउटर के अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि ये पैकेट जितने भी आ रहे हैं, पैकेट को मतलब कि हमारा जो भी डेटा सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी मतलब कि हर 500 Mbps, ओके, 500 Mbps ही सेंडिंग करे और रिसीव करे, उससे ज़्यादा करने की कोशिश करे तो मुझे वार्निंग मिले। ओके, तो इस तरह से भी आप जो है इसके अंदर कनेक्शन या फिर UK के सेटअप कर सकते हो। तो वहाँ पर ही आप देख कर कम्प्लीटली कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो राउटर के अंदर, दे सकती हो उसके अंदर सेंडिंग करने वाला, रिसीव करने वाला फाइल वगैरह और भी बहुत कुछ जो है ये वेरिफिकेशन वगैरह कर सकते हो यहाँ पर। ओके, ध्यान से देखिए, तो जो भी हमारा फॉर्म पैकेट में जाता है, जो भी होता है वो बाइनरी भी होता है। SNMP प्रोटोकॉल या उसकी प्रोग्रामिंग फाइल होती है जो बैकग्राउंड में चलती है वो भी बाइनरी भी होती है। ऐसा नहीं कि कोई पूरा जो सिस्टम, पूरा इंटरनेट जो चल रहा है वो बाइनरी कोड के ऊपर ही चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस सिस्टम को
हमने इस तरह से बनाया है उस प्रोग्राम को, ऐसे जैसे मैंने कहा कि सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन रूबी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी प्रोग्राम से हम क्या बनाते हैं प्रोटोकॉल, तो एक तरह के फाइल बनती है, सर्विसेज बनाते हैं उस सिस्टम के साथ, अलग अलग तरह के कनेक्शन बनाते हैं। तीसरा होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस, इंफॉर्मेशन बेस जिसको MIB बोलते हैं यहाँ पर मास्टर। तो MIB क्या होता है मैं कुछ समझाऊंगा, लेकिन MIB कंसर्न इन्फॉर्मेशन ऑन रिसोर्सेज और मैनेजर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो है वो उस इन्फॉर्मेशन की रिसोर्सेज के ऊपर मेंटेन कर सके, इसलिए वजह से यहाँ पर ये जो है इन्फॉर्मेशन को कंसिस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन रिसोर्सेज, जहाँ पर से आपका डेटा आ रहा है, जहाँ से भी डेटा आ जा रहा है, चाहे सर्वर हो, राउटर हो या स्विच हो, इन तीनों में से कोई भी चीज़ हो या फायरवॉल हो या कोई भी और भी डिवाइस जैसे कि कैमरा हो गया, NVRM हो गया, जो भी हो गया, उन सभी की मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस जो होती है वो मैनेज आप कर सको। इस वजह से तीसरा पार्ट होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस, वो हमारी हमारे SNMP एजेंट के थ्रू ही हमें मिलता है। ओके, तो एक इंफॉर्मेशन निकाल कर देने वाला होता है, दूसरा कंट्रोल करने वाला होता है, तीसरा इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करने वाला होता है, जो कि इस तरह से होता है। तो दिस इज दिस इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज हायरार्की, ये इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइज होते हैं वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर के अंदर होता है। क्योंकि आपको कहा था कि स्विच हमारी जो होती है वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, हायरार्किकल मतलब कि एक क्रिस्टल सा की वो होता है वो। ओके, तो इट इज कंसिस्ट ऑब्जेक्ट इंस्टेंट विच इंस्टेंटली वेरिएबल। ओके, तो ये चीज़ें होती है। तो इसको ध्यान से हम समझते हैं कि जगह ध्यान से देखोगे कि सिंपल नेटवर्क, हम एक कंप्यूटर के अंदर दूसरे कंप्यूटर के अंदर हम बात करते हैं, तो एक डिवाइस है, ओके, स्विच एक डिवाइस है वो, लेकिन उसके अंदर भी एक सिस्टम होती है। तो क्या होता है कि ये मैनेजर होता है, तो पहले वो क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई मुझे आपकी इंफॉर्मेशन दो। जैसे ही आप SNMP सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, जो भी सेटिंग वगैरह सेव करते हो और इसके साथ कनेक्शन करते हो, तो इसकी बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोटोकॉल जो है SNMP के अंडर में काम करते हैं, जैसे कि पिंग हो गया, FTP हो गया, TCP हो गया, UDP हो गया, बहुत सारे प्रोटोकॉल जो इसके में चलते हैं, और वही प्रोग्रामिंग OSI के कंट्रोल के थ्रू यहाँ पर उसके अंदर ये भी इसके अंदर उसी प्रोटोकॉल के थ्रू यहाँ पर उसके जो पैकेट जो है, मतलब कि रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है इसको, इसके पास कोई चांस नहीं होता, क्योंकि SNMP को काफ़ी इम्पोर्टेंट माना गया है, तो सेंड करता है अपनी सारी इंफॉर्मेशन को। ओके, तो इंफॉर्मेशन मिलता है गेट सेट रिक्वेस्ट नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन वगैरह मिलते हैं। अब यहाँ पर जो है ट्रैप रिसीवर बन जाता है, दोनों के बीच में ट्रैप बन जाता है। ओके, ये ट्रैप बनने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि हम यहाँ भी कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर मैनेजमेंट बाय द मैनेजर। ओके, तो पूरे कलेक्शन जो डेटा होता है उसके पास आ जाता है मैनेजर के पास, माना मेन सिस्टम के पास आ जाता है। ओके, और वो कैसे, मैनेजर के थ्रू हमें मिलता है। तो इज यूनिक टू इज एजेंट सिस्टम। ओके, तो हर एजेंट सिस्टम के ऊपर SNMP प्रोटोकॉल आपको इंटर करना पड़ेगा। ओके, तब जाकर ये सिस्टम ऑन होगी। ओके, ऐसा नहीं जैसे कि स्विच है, तो स्विच के अंदर मैंने SNMP प्रोटोकॉल इनेबल किया तभी ये काम आएगा, लेकिन स्विच के अंदर SNMP मैंने कॉन्फ़िगर किया ही नहीं है, तो आप चाहे कितने भी रिक्वेस्ट भेज लो वो काम नहीं, वो अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ओके, तो सिस्टम इंटरफेस आपका पूरा मिलता है, एड्रेस ट्रांसलेशन आप दे सकते हो, IP, ये इतने भी UDP, AGP, SNMP जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं वो होता है बैकअप बनाने के लिए, इसका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बनाने के लिए, इतने सारे प्रोटोकॉल जो है इसके बैकग्राउंड में काम करना शुरू हो जाते हैं। तो सिस्टम तो काम करता है, लेकिन उसकी इंटरफेस भी देख सकते हो कि कौन कौन से कनेक्शन कहाँ कहाँ हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, किस तरह से होते हैं, एड्रेस के ट्रांसलेशन वगैरह, IP एड्रेस देख सकते हो, UDP के प्रोटोकॉल में कितने प्रोटोकॉल चलते हैं, TCP प्रोटोकॉल में कितने प्रोटोकॉल चल रहे हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हो। ओके, द MIB ऑब्जेक्ट इज अ होम बेस ग्रुप। ओके, तो MIB जो मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो एक होम ग्रुप की तरह काम करता है, कि एक ही कंप्यूटर से आपका पूरा नेटवर्क के ऊपर जो है कितना भी लोड हो, कितना भी कम्युनिकेशन हो, जो भी स्विच वगैरह नेटवर्क वगैरह जो है आप दे सकते हो SNMP के बारे में। ओके, तो इससे क्या होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर कितना भी आपका लोड हो, जो भी हो, वो मेन कंट्रोल सेंटर से आपका मेन इंपॉर्टेंट डेटा जो होते हैं वो कलेक्ट करते हो, उसके ऊपर आप जो भी आपको इम्प्लीमेंट करना होता है, जो भी आपको चेंजेस करना होता है, उससे आपको काफ़ी बहुत ही फायदा मिलता है, काफ़ी बहुत ही आपको हेल्प मिलती है इस वजह से, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर।
चौथी जो मेन पार्ट होता है MIB मास्टर, यहाँ पर जो मैनेजर होता है, तो उस मैनेजर के अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन डेटाबेस होता है। तो डेटाबेस मतलब कि गूगल पर अपने www.google.com लिखा, लेकिन वो डेटा जो है गूगल के ऊपर आपको ढूंढ रहा हो, तो गूगल के ऊपर ही वो डेटा हमारा सेव होता है। उसी तरह से हम किसी भी सर्वर के अंदर से उसके कंडीशन पता करते चाहते हैं कि वो कंडीशन की इंफॉर्मेशन हमें मिले और हमारे अंदर सेव रहे, तो वो डेटाबेस होता है, एक तरह का स्टोरेज सिस्टम होता है। जब भी हम चाहे हमें उस डेटा के अंदर जरूरत पड़ सकती है, उसके अंदर सेंडिंग वगैरह चेंडिंग करने वगैरह होती है, तो जो भी हम सेव करते हैं इसको, तो चौथा पार्ट होता है हमारा इसका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन डेटाबेस। चार तरह के इसके पार्ट में होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक स्विच, इसके स्विच के अंदर मैंने उसका नाम दे दिया स्विच नंबर 3। अब स्विच नंबर 3 स्विच के अंदर तो सेव हो रहा है, लेकिन उसका भी पूरा डेटा जो है मेरे सिस्टम में भी सेव होना चाहिए। तो ये जो होता है मैनेजमेंट डेटाबेस के अंदर सेव हो गया, इससे क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है कि कोई भी डेटा सेंड होता है, रिसीव होता है, तो इसको जल्द से जल्द इसकी जो भी सेटिंग्स की हुई है वो इस हिसाब से इसको वार्निंग वगैरह है, एरर वगैरह है, उसको पता चलता रहना चाहिए। क्योंकि कभी भी कभी कभी भी इसको प्रॉब्लम होती है, तो उसको जो है हम इसको कंफिगर या तो कंट्रोल कर सकते हैं, या तो फिर उसकी अंदर मॉनिटरिंग करके इसको कोई भी चीज़ हमें बंद करनी है, ऑन करनी है, या तो फिर इसको मैनेजमेंट करना ही है अभी, या आसान तरीके से होता है। ओके, तो SNMP ये मैसेजेस के लिए काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो SNMP मैसेजेस क्या होते हैं, किसे होते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट में समझाऊंगा। ओके, SNMP मैसेजेस के काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट फायदे होते हैं। कौन कौन से ऐसे मैसेज हम जो सेटअप करते सेट करते हैं, ये SNMP मैसेजेस ही होते हैं यहाँ पर, जिससे कि हमारे SNMP मैनेजर काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर। ओके, तो हम नेक्स्ट पे मैं शुरुआत करेंगे SNMP मैसेजेस के बारे में। ओके, तो थैंक यू, हैव नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। ओके, तो थैंक यू, हैव नेक्स्ट डे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना, बेल आइकन कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कमेंट कर सकती है। ओके, तो थैंक यू, हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे SNMP मैसेज के बारे में। जैसे सकते कि यहाँ पर और भी एक, जैसे कि Windows 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है, तो Windows 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि Windows 10 के अंदर भी, तो Windows 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की Windows 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर Windows 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, Windows 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी Windows 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है, कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी, कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये बुक में या भी सीखिए, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियोस है Windows 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, माइक्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए, और कुछ में प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम पार और किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोज़ मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही अर्थ तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है, क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पूरा नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।